हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सुपर टेस्टी सुपर इजी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि इसको बनाना बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं और ख़र्च भी इसमें कम लगेगा। तो बनाना इसको है हमें पार्ले जी से। तो इसमें ना तो आपको मैदे की ज़रूरत पड़ेगी, ना अंडे की, ना बटर, ना तेल, ना घी। बहुत कम चीज़ों में ये सुपर टेस्टी केक बनकर तैयार हो जाएगा। बस आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि 50 रुपया खर्च करना है और 300 वाला केक आपको बनाकर तैयार कर लेना है। इसके लिए मैंने 10 रुपये वाले 4 पार्ले जी बिस्किट्स लिए हैं। ये देखिए, 10 रुपये वाले ये पैकेट हैं, इसी से हमें केक तैयार करना है। पैकेट से मैंने सारे बिस्किट्स को एक प्लेट में निकाल लिया है और अब एक मिक्सर जार लेना है और इसमें सारे बिस्किट को इस तरह से तोड़ करके डालना है। हमें इसका पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। तो आधा आधा करके इसे आप पीसिए। और अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। तो बस इतना में ही ये मीठा हो जाएगा। और ये देखिए, बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया है। तो एक बड़ा सा बाउल लेना है और एक छन्नी लेनी है और इस पाउडर को हमें छान लेना है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है कि बिस्किट के पाउडर को हमें छानना बहुत ज़रूरी है। इसको छानने से ये होगा कि जब आप इसका बैटर बनाएंगे तो उसमें लम्स नहीं डलेगा और केक बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे छान लिया है ताकि केक हमारा स्पंजी बनकर तैयार हो। फ्रेंड्स, क्योंकि हमें चॉकलेट केक बनानी है इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून कोका पाउडर ऐड किया है। अगर आपको नॉर्मल प्लेन केक बनानी है तो आप इस कोका पाउडर को स्किप कर दें, वो केक भी आपका बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब 1 कप दूध लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध लेना है और इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाना है। फ्रेंड्स, केक के इस बैटर को बनाते टाइम आपको दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक बार दूध डालेंगे तो ये बैटर पतला हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा थोड़ा करके पूरा 1 कप दूध इसमें डाला है और ये परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हुआ है। और इस केक के बैटर को बहुत अच्छे से मिला लिया है मैंने। और अब 1 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है और उसमें 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे भी हमें इस बैटर में डालना है जिससे केक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आएगा। और अब मैंने इसमें 3 से 4 ड्रॉप वेनीला एसेंस डाला है। अगर आपके पास वेनीला एसेंस नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल लेना है, बस 1 टेबल स्पून ही डालना है, जिससे इस बैटर में बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी सी शाइनिंग आई है। और अब 1 पिंच सॉल्ट डालना है और इसे मिक्स करके हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और इधर मैंने एक कढ़ाई में 1/2 कप के करीब नमक डाल करके उसके ऊपर स्टैंड डाला था और इसे गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। ये हमारा प्री हीट ओवन का काम करेगा जिसमें हमें केक बनाना है। तो इसी तरह से आप एक कढ़ाई में नमक डालें, इसके ऊपर स्टैंड डालें और एक ढक्कन लगा करके इसे छोड़ दें 10 मिनट के लिए। और अब एक केक मोल्ड लेना है और इसमें थोड़ा तेल डाल लेना है और तेल को अच्छे से चारों तरफ ग्रीस कर लेना है ताकि इसमें जब हम केक बनाएं और इसे डिमोल्ड करें तो बहुत ही आसानी से केक हमारा बाहर निकल आए। इसके ऊपर मैंने पेपर डाल लिया, इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली और ये देखिए अच्छे से ग्रीस हो गया है। तो चलिए अब हम बैटर की तरफ चलते हैं। बैटर को 10 मिनट तक के लिए मैंने रेस्ट करने छोड़ दिया था। अब इसमें हमें इनो डालना है। इनो लेमन फ्लेवर वाला ही डालना है। इनो जनरली कोला और जीरा फ्लेवर का भी आता है तो हमें लेमन फ्लेवर का ही इनो डालना है। तो 1 टेबल स्पून इनो डाला है, इसके ऊपर हमें 2 से 3 ड्रॉप डाल लेना है दूध का और फिर इसे फटाफट मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इनो की जगह पे आप 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे फटाफट मिक्स करना है। आप देखेंगे ये बैटर फूल के डबल हो गया है। बस इसे फटाफट हमें डाल लेना है मोल्ड में। ये स्टेप आपको थोड़ा जल्दी करना होगा तभी आपका केक फूलेगा, वरना इसमें जो बबल्स बन रहे होंगे वो बैठ जाएंगे। और ये देखिए, इसे 1 से 2 बार मैंने टैप टैप कर लिया है। फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखें कि इनो डालने के बाद केक के बैटर को आपको फटाफट से तैयार कर लेना है, जल्दी करना है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स डाल लिए थे, काजू बादाम। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल ली थी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे हमें अपने प्रीहीट ओवन में डाल लेना है, यानी कढ़ाई में डालना है। इस कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था
और अब इस केक के टिन को रखने के बाद इसे ढक लेना है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है और इसे 20 से 25 मिनट तक बेक होने देना है। इससे पहले इस ढक्कन को नहीं हटाना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 25 से 30 मिनट हो गए होंगे और ये देखिए बिल्कुल फूल करके डबल हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस केक को मैं आपको टूथपिक से दिखा रही हूँ। इसमें अभी 5 मिनट और कसर बाकी है बेक होने में, तो इसके ऊपर मैंने वाइट चॉको चिप्स डाल ली, टूटी फ्रूटी और काजू, और ढक करके 5 मिनट तक और बेक होने दिया। और ये देखिए 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है और बहुत अच्छा ये केक बेक हो गया है। तो इसे निकाल करके हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद इसे डीमोल्ड करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस केक का कलर कितना परफेक्ट आया है, कितना बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है। कहीं से नहीं लग रहा होगा कि ये पार्ले जी बिस्कुट से बना हुआ केक है। तो इसके चारों साइड्स को हमें नाइफ से इस तरह से छुड़ा लेना है, उसके बाद एक प्लेट पे इस तरह से हमें पलट लेना है और देखिए कितने आसानी से ये केक डीमोल्ड हो गया। और इसके बटर पेपर को हमें निकालना है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस इंस्टेंट पार्ले जी केक को अगर आप बनाएंगे और अपने गेस्ट के सामने या किसी के सामने सर्व करेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसको आपने पार्ले जी बिस्किट से बनाए हैं। ये इतना सुपर टेस्टी केक बनता है कि बस खाने वाले इसे खाते ही जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि इस केक को बनाने के लिए कोई झंझट नहीं, ना तो मैदा, ना अंडे और ना ऑयल, ना बटर, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये केक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मॉइस्ट, कितना स्पंजी, कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, ये सस्ती और सुपर टेस्टी केक की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ।